They were about 1 lakh trained muktis. Assalamu alaikum. Namdohu wa nasalli ala rasulil kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Ye mera naam Colonel Abdul Qadir hai aur main 63 mein commission hua aur signal corps mein aur after the 65 took part in 65 war aur uske baad मैंने फौरन जब लड़ाई ख़त्म हुई तो आई अप्लाइड एंड जॉइंड एसएसजी ट्रेनिंग वगैरह कर तो फ्रॉम 66 टू 70 आई रिमेन इन एसएसजी। मुक्ति बानी का जो मेन कंट्रीब्यूशन था कैसे उन्होंने कैंप्स वगैरह में उनके बच्चों वगैरह को एक किस्म का वहाँ पर रोक कर उनको वहाँ से एक किस्म के कैद करके कैंपों में इनको ट्रेन किया और इनको फिर लॉन्च किया वहाँ से बॉर्डर के अंदर एंड ऑल दैट। और बाय द टाइम द वॉर स्टार्टेड तो वो बहुत इलाके में फैल गए थे और फिर हमारे फोर्सेस के ख़िलाफ़ बिहाइंड दी लाइन्स एंड ऑल हमारे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमारे टेलीफोन तार्स और ये वो सारा डिसअप कर दिया कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि ढाका से बरा बाज़ार में जो एक रेलवे लाइन थी उसमें जितने ब्रिजेस थे दे वर ब्लोन अप, मतलब इस तरीके से वो दे वर हेल्पिंग इंडियन इन दैट वे। द मेजर कंट्रीब्यूशन इज़ के उन्होंने इंडियन फोर्सों के हमारे फोर्सेज बड़ी फर्स्ट क्लास लगे थे। खैर वो जो आपको पता ही है कि पहले तो उन्होंने बहुत फैलाया रखा और बड़ा लेट उन्होंने उसको विड्रॉ किया, वो बहुत नुकसान हुआ। लेकिन यह कि इंडियंस को उन्होंने ऐसे रास्तों से लाया जहां पे हमारे फोर्सेस वी वर वेरी थिन ऑन द ग्राउंड एज समबडी माइट हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। दे वर अबाउट 1 लाख ट्रेन्ड मुक्तिस और मुक्ति के अलावा फिर आपको पता है कि उनकी जो रेगुलर ट्रुप्स थे जो ईस्ट बंगाल रेजिमेंट्स थी वो भी हमारे फोर्स के ख़िलाफ़ करते। तो वो जो एक माहौल बना उसकी वजह से मुक्ति की वजह से प्रेजेंस से जो लोग लॉयल थे टू पाकिस्तान एंड ऑल दैट वो जो बताते हैं ना कि सारे के सारे खिलाफ हो गए थे दैट इज़ नॉट ट्रू। वो बहुत क्योंकि जब हम कैद हो के जा रहे थे तो मैंने देखा बहुत से लोग जो रस्ते में थे उनकी आंखों में आंसू थे और फिर दूर से हमें अलविदा कर रहे थे और इस तरीके से। लेकिन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द मुक्तिस दे कुड नॉट ओपनली सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी। उनकी जो सप्लाई लाइंस थी वो कट गई, मतलब जो फोर्सेस आगे लड़ रही थी इतने दिनों से, आपको पता है कि कोई फोर्स ऐसे लड़ नहीं सकता अगर आपके उसको री एनफोर्समेंट ना हो, नो एमिनेशन फलानी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन बिकॉज ये लोग वहाँ पे मौजूद थे और हमारे पास इतनी फोर्स नहीं थी कि भाई उधर दुश्मन से लड़ रहे हैं और इधर आप मुक्तियों से, तो कुछ स्पेशल रज़ाकार से बंगालीज रज़ाकार अल बदर अल शम्स वगैरह सुना है उन्होंने कुछ वैसे मुक्तियों को थोड़ा सा नॉट ज़्यादा एंड ऑल दैट काफ़ी उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन वगैरह किए लेकिन वो तादाद में कम थे। लेकिन और ये हर जगह फैले हुए थे। उनको बहुत ज़्यादा जो है ना 25 मार्च के बाद एक तो उन्होंने जहाँ जहाँ उनके वो कॉलोनीज वगैरह थी उनको कत्ल किया और मतलब स्केट पीपल एंड ऑल पूरा डिस्पर्स हो गए थे। लेकिन जहाँ जहाँ हो सका उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की वो मदद की, कुछ सप्लाई वगैरह ले के जाना, कुछ वो ब्रिजेस वगैरह बना रहे या स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस बना रहे हैं, उधर मोर्चे वगैरह बनाना उसमें दे वर हेल्पिंग ऑल, तो वो एक कंट्रीब्यूशन थी उनके। लेकिन बाई एंड लार्ज उनके हालत बहुत ख़राब बिकॉज इतना आप इन्हें शॉक इतना कत्ल और उनके रेप्स और इस तरीके बेदरा आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना। तो बिहारी और फिर अनफॉर्चुनेटली एक तो उन्होंने हम जब वो सरेंडर हुआ उसके बाद वो ज़्यादा जो उस इलाके में थे मीरपुर और इस इलाके में इकट्ठे हो गए कंटोनमेंट में और उनको समझ नहीं लग रही थी कि अब क्या व्हाट इज़ आवर फेट, हमारे साथ हुआ क्या है। और मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि कुछ वो
जो बिहारी थे उनके बाप और भाई वो लोगों से आके हमारे सिपाहियों से मिन्नतें कर रहे थे, यार हमारी बेटियों का बहनों का अपने साथ ये निकाह कर लो इनके साथ, ताकि ये हो सके भाई अपनी इनकी इज्जत बची रहे और ये पाकिस्तान महफूज कर रहे हैं। तो दे वर पिटिएबल कंडीशन एंड दे आर स्टिल सी लिविंग दैट मिजरेबल लाइफ। This is absolutely wrong perception, and we have started right from there, 71 mein, ki this is the actual fact and all that, ye theek hai aur ye isi tarah hi hai. और वो उन्होंने पूरे दुनिया में क्लेम किया कि जी वी वो विक्टर्स, हमने उसको इतनी फोर्सेस वगैरह को ये वो कर दिया, लेकिन आई टेल यू फ्रेंकली अगर कोई सही एनालिसिस करे तो इट वाज डिफीट ऑफ द इंडियन आर्मी। डिफीट इन द सेंस के भाई आप 5 गुना ज़्यादा आपके पास ताकत है, था कि जी 3-4 डिवीजन है, एक्चुअली देयर वर नो मोर देन 2 or 3 डिवीजन्स हमारी तरफ से, और उनके कोई 8-10 बंदे, 5 गुना ज़्यादा फोर्सेस, और दे स्टार्टेड अटैक फ्रॉम ऑन 22 नवंबर। आप देखेंगे 22 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक दे कुड नॉट ओवररन ए सिंगल बिग टाउन। हमारे जो ब्रिगेड्स थे फोर्ट्रेसेस वगैरह और बहुत सी जगहों पर दे वर होल्डिंग आउट। एक जो है वो खुलना वाला ब्रिगेड है, जब उनको पता लगा तो वो बता रहा था जो उधर प्रेजेंट था वहाँ पे उसका जीत एंड ऑल दैट, उसने दीवारों से टक्करें मारने शुरू कर दी कि भाई ये क्या हुआ नॉर्दर्न, बट द पीपल इन द फील्ड दे वर फाइटिंग। और वो उनकी तारीफ अगर आप उनकी किताबें पढ़ें इंडियंस की जनरल वगैरह ना, तो उन्होंने तारीफ की है कि ये किस तरीके से वो लड़े और हमारे सारे दबाव वजह, जैसे एक कमालपुर पोस्ट में एक पूरा ब्रिगेड एक पल्टून पोजिशन पर लगी रही, दे कुड नॉट उनको डिसलॉज दें, वो 11 दिसंबर तक वहाँ पे अकेले बॉर्डर पे वो लड़ते रहे। तो जहाँ जहाँ लड़े थे वॉट वेरी ब्रिलियंट डेस्परेटली और इन एन एनवायरमेंट विच वॉज अगेंस्ट देम। अनफॉर्चुनेटली बजाय इसके कि सोचे कि उस हाइब्रिड वार को वो जो इंडिया का एक एफर्ट है हमारे खिलाफ, और उसमें भी बहुत सी पावर्स इन्वॉल्व हैं, अमेरिका बेसिकली सी पैक वगैरह के इस तरह के, बजाय सपोर्ट करने के आर्मी को वो जो है आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा, एंड दे आर इन अ वे हेल्पिंग दोज पावर्स जो इस तरह का हाइब्रिड वॉर उन्होंने ख़िलाफ़ हमारे शुरू कर दिए। हमारे मुल्क की यूनिटी, हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी जो आज तक मेंटेन की है, पीपल मे नॉट अग्री इन ऑल, इज़ बिकॉज ऑफ द आर्मी।